टॉप 10 स्पाई हैक्स जो मिलिट्री वाले यूज करते हैं। नंबर 10, फॉलोड बाय अ पर्सन। दोस्तों, अगर आपका कोई पीछा करता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि क्या कोई सच में आपका पीछा कर रहा है। जैसे कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर किसी शॉप पर, और हर जगह एक सेम व्यक्ति आपको देखने को मिल रहा है, तो यानी कि वो सच में आपको स्टॉक कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उस इंसान को पता चल गया कि आपको पता चल चुका है कि ये आपका पीछा कर रहा है, तो वो कोई और कदम भी उठा सकता है और शायद आपको नुकसान भी पहुंचा दे। इसलिए आपको बिल्कुल शांत रहते हुए पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और अपने परिवार के लोगों को अपनी लोकेशन के साथ साथ अपनी पूरी डिटेल भी बतानी है। ऐसे टाइम पर आप कॉल की जगह पर मैसेज का भी यूज कर सकते हैं। नंबर 9, होटल प्राइवेसी। दोस्तों, कई बार लोगों को घर से बाहर भी स्टे करना पड़ जाता है। ऐसे में किसी होटल में रुकना ही लोगों के लिए एकमात्र ऑप्शन बचता है। लेकिन दोस्तों, कि आपने कभी सोचा है कि अगर आप कहीं घूमने जाएं और पीछे से कोई आपके रूम को चेक करे या आपका कोई सामान चोरी हो जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके रूम लॉक करने के बाद भी आपके रूम में कोई आया है? सबसे पहले तो आप अपने बैग की चेन को नाप कर 2 या 3 इंच खुला छोड़ दीजिए, और अगर आपके वापस आने के बाद ये गैप ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, तो आपके रूम में डेफिनेटली कोई आया था। अब बात करते हैं स्पाई पेपर ट्रिक की। तो सबसे पहले आपको एक छोटा पेपर लेना है, और जब भी आप अपने रूम से बाहर जाएं, तो उस पेपर को अपने डोर में ऐसे फंसा देना है कि जब वो खुले सिर्फ तभी नीचे गिरे, और आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता होनी चाहिए, यानी कि आपने उस पेपर को दरवाजे पर किस जगह लगाया है, जिससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपके रूम में कोई आया था या नहीं। नंबर 8, टॉयलेट टाइमिंग। दोस्तों, सपोज कीजिए कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग या एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, और इसी बीच आपका टॉयलेट आ जाए, लेकिन आपके बॉस या टीचर इतने ज्यादा खड़ूस हैं कि उनसे कहने में भी आपको डर से टॉयलेट वहीं निकल जाए। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? भाई, ऐसा तो मिलिट्री के लोगों के साथ भी होता है और वो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके टॉयलेट टाइमिंग को कुछ देर के लिए बदल सकती है। इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक चेयर पर बैठना होगा और फिर अपने थाई के नीचे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से रब करना होगा, और आप देखेंगे कि तुरंत ही आपके टॉयलेट का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। नंबर 7, फोल्डिंग क्लोथ्स। दोस्तों, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने या फिर किसी जगह अपने बड़े से बैग को लेकर, तो आप भी यही सोचते होंगे कि इसमें अपने सारे फेवरेट कपड़े रख लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि बैग का स्पेस थोड़े से कपड़ों में ही भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मिलिट्री के लोग अपने इतने भारी भारी कपड़ों को उस बैग में कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने कपड़ों को कुछ इस तरह से फोल्ड करके बैग में रखेंगे, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपके बैग में आपको 20-40% स्पेस ज्यादा देखने को मिलेगा। और क्या आपको पता है, उर्फी जावेद भी अपने कपड़ों को रखने के लिए इसी तकनीक का यूज करती है, क्योंकि भाई उल्टी सीधी पॉलिथीन, ब्लेड्स, अनाज की बोरियां इतनी आसानी से तो बैग में फिट होने से रही। क्यों, सही कहा ना? नंबर 6, शूलेस सीक्रेट कोड। दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड से पब्लिकली मिलने वाले हैं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है। हालांकि आप एक शब्द भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते या कोई इशारा भी नहीं कर सकते, तो आप अपना मैसेज कैसे देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं मिलिट्री पीपल इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। दोस्तों, आप अपने जूते के फीतों को आज तक एक ही तरीके से बांधते आए हैं, लेकिन मिलिट्री के लोग अपने शूलेसेस को ही सीक्रेट मैसेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, सबसे पहले वाला ये बताता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, दूसरे का मतलब है कि मुझे फॉलो करो, और तीसरे का मतलब है कि मैं अपने साथ किसी और को भी लाया हूँ। नंबर 5, इमोजी सीक्रेट को। दोस्तों, इमोजी का इस्तेमाल करना आजकल कौन नहीं जानता। बच्चों को भी पता है कि कौन सी इमोजी कौन सी सिचुएशन में लगानी होती है, और ऐसे ही कुछ मिलिट्री के जासूस भी करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो ज्यादातर पूप इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही और भी कई इमोजीज का यूज करते हैं। इन इमोजीज में उनका कोई सीक्रेट कोड बना होता है, जो या तो सिर्फ वो जानते हैं या फिर वो जिससे बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम में से कोई भी उसको नहीं जान सकता, और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी को भी उनकी बातचीत पर शक ना हो और सबको यही लगे कि वो सिर्फ एक दूसरे को इमोजीज भेज रहे हैं, बट इन रियलिटी वो एक दूसरे से सीक्रेट कोड में बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपनी किसी डेंजरस सिचुएशन में एक सीक्रेट इमोजी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, पॉइजनस प्लांट डिटेक्शन। कैसे पता करें कि कौन सा प्लांट जहरीला है और कौन सा खाने लायक? दोस्तों, यहीं पर हमारी नेक्स्ट मिलिट्री टेक्निक का यूज होता है कि कैसे विद इन सेकेंड्स हम प्लांट को बिना खाए ये पता करके कि वो प्लांट जहरीला है या नहीं।
इस तकनीक को यूज करने के लिए आपको प्लांट की एक टहनी को तोड़कर सबसे पहले ये चेक करना होगा कि कहीं उसमें से एक व्हाइट मिल्की मटेरियल तो नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है मतलब कि वो प्लांट जहरीला है, और अगर नहीं निकल रहा तो उसे आप अपने आर्मपिट में कुछ सेकंड्स के लिए रखिए, और अगर वहां भी जलन नहीं होती तो मतलब कि वो प्लांट जहरीला नहीं है, और अगर जलन होती है तो मतलब कि वो जहरीला है। नंबर 3, इफ योर स्टमक हर्ट्स व्हाइल रनिंग। दोस्तों अगर आपका भी पेट दौड़ते वक्त दर्द करने लगता है तो ये वाले मिलिट्री ट्रिक सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। बस दौड़ते वक्त आपका जब भी लेफ्ट पैर जमीन को टच करे आपको उस वक्त सांस छोड़ना है। उससे आपको लीवर पर बिना प्रेशर दिए ही दौड़ते समय ऑक्सीजन मिल जाएगा, जो कि आपको तब नहीं मिल पाता जब आप राइट पर जमीन को टच करके लीवर पर प्रेशर डालते हैं। नंबर 2, सेल्फ डिफेंस। दोस्तों चाहे आप लड़की हो या लड़का, आपको अपना बचाव करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि दुनिया भी उन्हीं की मदद करने के लिए आगे आती है जो खुद की मदद करने में सक्षम होते हैं। आज हम आपको कुछ क्विक सेल्फ डिफेंस टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे। नंबर 1, हमलावर के चेहरे को लक्ष्य बनाएं और उसकी नाक पर पूरी ताकत से पंच करें। ऐसा करने से उसकी नाक से खून निकलने लगेगा। नंबर 2, हमलावर के प्राइवेट पार्ट्स को लक्ष्य बनाएं। हमलावर और अपने बीच की दूरी का अंदाजा लगाकर पूरी ताकत से वहां किक करें। नंबर 3, हमलावर के गले पर जोर से पंच करें। आप वहां अटैक करने के लिए अपनी एल्बो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 1, अवॉइड स्ट्रेंजर्स। दोस्तों हम भारतवासियों ने हमेशा अपने माता पिता या फैमिली मेंबर से ये सुना ही होगा कि हमें कभी भी किसी बाहर के अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए। ऐसा ही रूल हमें गिफ्ट और बाकी चीजों के लिए भी फॉलो करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे कि हमें कभी भी अजनबियों को अपने बारे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए जिससे वो आप तक पहुंच सके, और हमें कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ऐसे रास्ते नहीं चुनने चाहिए जो बिल्कुल शांत रहते हैं। हमेशा ऐसे रास्ते चुनें जहां भीड़ भाड़ और चहल पहल रहती हो। अनलॉकिंग हैंडकफ्स विदाउट की। दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि हम हथकड़ी को बिना चाबी के खोल सकते हैं? नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता तो सारे चोर अपनी हथकड़ियां खोलकर भाग जाते, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। देखिए कैसे भाई साहब अपनी हथकड़ी को इतनी आसानी से तोड़ देते हैं। सबसे पहले तो ये अपने हाथों को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं जिससे कि हथकड़ी के बीच की चेन एक साथ मिलकर घूम रही है, और कुछ मिनट तक ऐसा करने के बाद अगर हथकड़ी पर थोड़ा सा जोर लगाकर उन्हें खींचा जाए तो हथकड़ी सचमुच ही टूट जाती है। लेकिन हथकड़ी को खोलने का एक और तरीका भी है जिसके लिए आपको एक हेयर क्लिप की जरूरत होगी। ये तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि हेयर क्लिप से ताला कैसे तोड़ देते हैं। आज हथकड़ी खोलना भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक हेयर क्लिप लेनी है और उसको खोल लेना है, और फिर जैसे ये भाई साहब करते जा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही करना है, और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपकी हथकड़ी खुल चुकी है। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।